Assalamu alaikum viewers. So today I am going to tell you about the things in an interview which are to be remembered. So first of all, the thing which is very important is physical appearance. Your physical appearance is very much important. You should be dressed up in a formal way and you carry it in a very decent manner. Let me tell you in an Urdu language. Aapki physical appearance aisi honi chahiye ki दूसरा जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको इम्प्रेस करे. ऐसी नहीं कि मैं सिंपल हूँ तो मैं सिंपल ही ठीक हूँ. नो, दिस शुड नॉट बी द वे. इस तरह से आपको नहीं जाना. यू आपको थोड़ा सा अच्छे से तैयार होके जाना है और ड्रेसिंग भी फॉर्मल होनी चाहिए. ये नहीं कि हील पहन के चले जाओ या कोई जिस तरह शादियों के फंक्शन में जो ड्रेसिंग हमारी होती है उस तरह की करके चले जाओ. नो, इस तरह की ड्रेसिंग नहीं. डिसेंट वे में ड्रेसिंग होनी चाहिए आपकी, जो कि इम्प्रेस भी करे अगले बंदे को और पता लगाए यस दिस टाइप ऑफ ड्रेसिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एन एजुकेशनल बैकग्राउंड. द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज़ योर फेशियल एक्सप्रेशंस. फेशियल एक्सप्रेशंस शुड बी नॉर्मल. नॉर्मल देने चाहिए. ये नहीं कि ओ आई एम वेरी मच कन्फ्यूज, इस तरह के एक्सप्रेशंस नहीं. उनके फेस जो इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, आई नो दैट कन्फ्यूजन तो होती है, लेकिन फिर भी नॉर्मल ही रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए. एंड अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन फील हो रही है तो आप लंबी लंबी सांस. कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना. अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो आप लंबी लंबी सांस लें, सांस लें, सांस लें. इससे आपको कन्फ्यूजन थोड़ी सी कम होगी. स्माइल ऑन योर फेस, डोंट शो एग्रेशन थ्रू फेस. आपने स्माइल रखनी है अपने फेस के ऊपर. ये नहीं कि गुस्से से आप देख रहे हैं उनकी तरफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. योर सिटिंग पोस्चर शुड मैटर. आपने बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना है, ये नहीं कि झुक कर बैठ जाएं. यू एंटर इन द रूम, टेक परमिशन. सबसे पहले आपने परमिशन लेनी है. मे आई कम इन सर और मैडम और एनी वन एल्स जो भी बैठे हुए होंगे उनसे परमिशन लेनी है. To sit and put your bag beside the chair. And the thing which is very much important to be noted here is आपने अपना बैग, जो आप बैग अपने साथ लेके जा रहे हैं, मोस्टली गर्ल्स कैंडिडेट जो हैं उनके पास बैग होता है, तो अपना बैग अपने चेयर के साथ रखना है, नीचे फर्श के ऊपर. आपने ये नहीं करना कि सामने टेबल के ऊपर रखते. टेबल के ऊपर रखेंगे तो बहुत बैड इंप्रेशन पड़ेगा जो इंटरव्यू आपसे ले रहे होंगे. द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज पुट योर आर्म स्ट्रेट, डोंट स्टूप और बेंड. आपने बिल्कुल ऐसे जिस तरह इलामा इकबाल जिस तरह वो थिंकिंग करते हैं उस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं बैठना. बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है आपने. डोंट बेंड योर शोल्डर्स, इट मे एक्सप्रेस योर लो कॉन्फिडेंस. सो योर शोल्डर्स शुड बी स्ट्रेट. बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना है. पोस्चर भी स्ट्रेट होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट इज़ योर पर्सनैलिटी. आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर शाय. शाय तो बिल्कुल भी नहीं होता. शाय तो कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता किसी भी फील्ड में. आंसर द क्वेश्चंस विद फुल कॉन्फिडेंस, डोंट हेजिटेट. अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो हेजिटेशन की तो बात बनती ही नहीं है. बट इफ़ यू आर अ शाय पर्सन तो फिर भी आपने हेजिटेट नहीं करना. एक्सप्रेस हम्बलनेस. आपने ऐसे इमेजिन करना है कि दीज आर योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स हैं सामने बैठे हुए, आप उनको समझा रहे हैं. हम्बल तरीके से, कामनेस से, कामनेस से आपने अपना पॉइंट रखना है उनके सामने, जो भी अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन अ वेरी इम्प्रेसिव मैनर. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में सबसे पहला क्वेश्चन ही यही होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. और आपने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है ख़ुद को इम्प्रेसिव मैनर में. एक्सप्लोर योर स्किल्स इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर्स. आपकी जो जो भी स्किल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो आपकी स्किल्स वो जानते ही हैं, तभी तो आपने टेस्ट पास करके ये एक ग्राउंड क्लियर किया है, तो वहाँ पर आए हैं. आपके पास एक स्किल है, इंटेलिजेंस की स्किल. इंस्टेड ऑफ शोइंग योर क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन शो नहीं करनी आपने कि आपने ये किया है वो भी किया है, डिग्रीज वगैरह नहीं बतानी. टेल देम दैट योर राइटिंग स्किल्स, योर मोटिव्स, योर ऑब्जेक्टिव्स एंड शो योर पैशन टूवर्ड द जॉब यू वॉन्ट टू गेट. आपका क्या पैशन है? पैशन यहाँ पर के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का पैशन है आपका, या न्यू टैक्टिक्स के जरिए से आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है? ये पैशन ही होगा आपको जॉब सीख करने के. सिंपली यू आर पैशनेट टूवर्ड योर जॉब, ये आपने बस बता देना है. दैट्स इनफ. इफ़ यू डोंट नो द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, सिंपली अपोलोजाइज इन अ वेरी डिसेंट मैनर.
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो बस आराम से बोलिए, आई एम सॉरी आई डोंट नो आंसर बट देर इज़ अ वे टू मेक अ हेज. आपके पास एक तरीका भी है. आप इस तरह से कह सकते हैं, सॉरी आई डोंट नो द आंसर बट आई नो समथिंग एल्स अबाउट इट. तो आप वो बता दें. इस तरह से इट वुड नॉट बी काउंटेड इन अ नेगेटिव सेंस. आपने ये नहीं कहना आई हैवंट रेड, और आपने आर्ग्यू भी नहीं करना उनके साथ. अगर आप उनके साथ आर्ग्यू करने लग गए तो ये नेगेटिव पॉइंट में कंसिडर किया जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज यू मस्ट हैव रेड योर फेवरेट ऑथर. आपका जो फेवरेट ऑथर है उसको आपने अच्छी तरह से पढ़ के जाना है. उनकी जो पोइम्स हैं, ड्रामास, प्लेज, नॉवल्स एंड एनी थिंग विच ही और शी हैज रिटन इन हिज और हर लाइफ, हिज वर्क्स. यू मस्ट हैव थोरो नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट. अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए. डेफिनेटली आपको पता होगा तो आप उनको आंसर देने के काबिल होंगे. नाउ बाय प्रेजेंट सिचुएशन दे मे आस्क यू एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस. जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही है हमारी, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. टीचिंग टेक्निक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द वेरी मच आस्क्ड क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू. टीचिंग टेक्निक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. टीचिंग स्ट्रेटजीज से किस तरह से आपने पढ़ाना है कोई भी सब्जेक्ट, उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, हाउ डज इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर. इफ यू हैव अ लिटरेचर एज अ मेजर सब्जेक्ट इन योर मास्टर्स, और बेसिकली मास्टर्स ही सब लोगों ने ज़्यादा चूज़ किया हुआ है पीछे जो अभी टेस्ट हुए हैं, बट बीएस के इतने ज़्यादा नहीं हैं. सो आई थिंक दे हैव नॉट रेड लिंग्विस्टिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट. तो लिंग्विस्टिक्स के बारे में वो पूछ सकते हैं दैट हाउ लिंग्विस्टिक्स कैन इफेक्ट लिटरेचर. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लिंग्विस्टिक्स इज अ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो ये तो इम्पैक्ट करती ही है. टू परसुएड और मेक इम्पैक्ट ऑन इंटरव्यूअर्स यू कैन से इट विल नोटिस दिस और दैट. आप ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज से इम्पैक्ट पड़ सकता है कि वो बायलिंगुअलिज्म यूज़ कर सकते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म भी हो सकता है, और ये लिंग्विस्टिक्स के जरिए हम नोट कर सकती है. और कोई वे होगा, लेकिन लिंग्विस्टिक्स इज द बेसिक वे टू नोट इट डाउन. If you don't know the answer or you don't have a prior knowledge about the question, interviewers ask. अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो आप जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है आप उस तरह से बोल सकते हैं, सॉरी बोल के, एंड यू कैन से आई हैव अ फर्दर नॉलेज अबाउट दिस. आई डोंट नो अबाउट द थिंग विच यू आर आस्किंग बट आई नो समथिंग अदर देन यू आर आस्किंग अबाउट द ऑथर और द थिंग जो वो पूछ रहे हैं. नाउ द लास्ट थिंग इज दैट वो आपसे पूछेंगे व्हाई यू ज्वाइन दिस प्रोफेशन. आप ये प्रोफेशन ज्वाइन ही क्यों कर रहे हैं. आपके पास एक परसुएसिव आंसर होना चाहिए. और आप ये भी बोल सकते हैं टू एजुकेट द पीपल और ब्रॉडन देयर पर्सपेक्टिव्स, इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट देम टुवर्ड्स पॉजिटिविटी. क्योंकि एजुकेशन के जरिए से ही हम पॉजिटिविटी फैला सकते हैं. और जो भी आपके माइंड में कोई पॉजिटिव आंसर या परसुएसिव या इफेक्टिव आंसर हुआ वो आप दे सकते हैं. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर देयर पीबीएससी टेस्ट. अल्लाह हाफिज़.